जय हिंद एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, कि कैसे जो है एक मैच्योर इंडिविजुअल के द्वारा गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, एंड देन देयर विल बी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, एंड देन अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ओबेलिया कॉलोनी। ठीक है, तो यही है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में देखिए, ये एक आपको हाइड्रोकॉलस है, हाइड्रोकॉलस है ना, हाइड्रो इसकी कॉलोनी को, ओबेलिया की कॉलोनी को क्या हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोकॉलस। और ये एक सबस्ट्रेटम यहाँ है, उसके ऊपर अटैच्ड है, ठीक है ना, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच्ड है, ठीक है, ये क्या है सबस्ट्रेटम। और जहाँ से अटैच होता है उसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर। हाइड्रोरिजर क्या है, इसको हम कहते हैं कि ये रूट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बट इट इज नॉट रूट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों का ये जो कॉलोनी है, ये हम इसको डाइमॉर्फिक बोलते हैं। कब तक डाइमॉर्फिक बोलेंगे, जब तक कि इसके अंदर मेडूसा का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें दो तरह के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, एक को बोलते हैं हम लोग पॉलिप, आर, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेंथ, ठीक है ना, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है भाई, फ्लावर के जैसा, देखिए जैसा फ्लावर होता है ना वैसा दिख रहा है, हाइड्रेंथ। और दूसरा स्ट्रक्चर इसमें जो है, जिसका पर्पज ही है क्या बनाना, मेडुसा बनाना, क्या बनाना, मेडुसा बनाना, तो इसका नाम क्या है भाई, ब्लास्टो स्टाइल है ना, इसका नाम है ब्लास्टोल स्टाइल। और इसके अंदर जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं गोनेंजियम, क्या बोलते हैं, गोनेंजियम है ना, गोनेंजियम हो गया। अच्छा, अब देखिए ये ब्लास्टो स्टाइल के अंदर जो गोनेंजियम है, उसके ऊपर ही क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा भाई, मेडुसा, किसका प्रोडक्शन होगा, मेडुसा का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दिस इज ए सेक्चुअल इवेंट, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, तो ये अगर मेडुसा ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, तो ये तो भाई डिप्लॉयड कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी क्या है, डिप्लॉयड है। और ये ए सेक्चुअल, या इसी को बडिंग बोलते हैं, बडिंग से अगर बन रहा है, तो ये भी स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिप्लॉयड, ठीक है ना। अच्छा, इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अच्छे से देख चुके हैं। अब देखिए, इसमें दो तरह के मेडुसा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, दो तरह के मेडुसा है यहाँ पे। एक को हम लोग कह रहे हैं कि वो क्या है, मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा, क्या प्रोडक्शन करेगा, मेल गैमीट का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल का नाम दे देंगे उसको। चलिए हम सिंबल से काम चला लेते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये किसका काम कर रहा है, फीमेल गैमीट का, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया था कि मेडुसा के अंदर जो पर रेडियस होता है, ऐसे है वेंट्रल साइड में स्ट्रक्चर, और ऐसे है आपका पर रेडियस, और पर रेडियस के ऊपर ही यहाँ यहाँ क्या प्रेजेंट है, गोनैड प्रेजेंट है ना, गोनैड प्रेजेंट है। और ये गोनैड्स के अंदर ही गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम कहें तो यहाँ 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 वन साइड इज ऑन बैक है ना, तो ये सब क्या है, गोनेड। अब गोनेड कहाँ पे है बताइए, ध्यान दीजिए, आप अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो वो क्या था, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे होगा,
ठीक है ना, सब एम्बुलेंट सर्फेस, मतलब इसके अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सब अम्ब्रेलर सरफेस है और ये क्या है, एक्स है, ये सब, ठीक है ना। छाते के अंदर वाला सब हो गया और छाते के बाहर वाला एक्स हो गया। उसके बीच में एक कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। लेकिन अगर हम सब अम्ब्रेलर सरफेस की बात करें तो वहाँ पे जो हमारा इपिथीलियो मस्कुलर सेल्स है, ठीक है, सपोज करिए ये इपिथीलियो मस्कुलर सेल्स है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मीजोग्लिया, बीच में क्या होगा, मीजोग्लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है ना, ये गैस्ट्रोडर्मिस है सपोज करिए। तो इस बीच में ये क्या है, मीजोग्लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये इपिडर्मिस है, यहीं पे ये जो मीजोग्लिया है, इसी के अंदर जो है आपका गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। गैमीट का फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस के द्वारा होगा, तो प्रोसेस का नाम क्या होगा, मियोसिस, ये तो भाई सब लोग जानते हैं, या इसी को गैमिटोजेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ से एक जगह से मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, दूसरी जगह से फीमेल गैमीट का, तो एक जगह से हमारा क्या बना, मेल गैमीट, दूसरी जगह से फीमेल गैमीट, तो हम मेल गैमीट को ऐसे बना देते हैं और फीमेल गैमीट को ऐसे एंड बोथ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, है ना। अच्छा अब देखिए, इसका जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब न्यू, कहते हैं फर्टिलाइजेशन इज बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ, है ना, तो जो नए जीवन की शुरुआत होती है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, ये इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है भाई, हमेशा याद रखिए, इसमें कोई सोचने का बहुत वो नहीं है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, क्या बोलेंगे, जाइगोट, है ना। तो ये सब जनरलाइज कर लीजिए आप, मेल फीमेल गोनेड, और उससे जो स्ट्रक्चर बनेंगे गैमीट, है ना, ये क्या है, गैमीट, इसको जनरलाइज कर लीजिए, इसको अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। अच्छा अब जाइगोट के बाद देखिए, इसके अंदर ये आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब ये जाइगोट तो एक क्या हो गई, डिप्लॉयड सेल हो गई, इसका जो सेल का क्या होगा, माइटोसिस होगा, लेकिन हम यहाँ माइटोसिस बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जाइगोट में जो अर्ली डिविजन्स होते हैं, है ना, उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, नो इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम का इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन सेल का डिवीजन होगा, ठीक है। डिवीजन में कोई अलग से वो नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, लेकिन ऐसा माइटोसिस जिसमें सेल का वॉल्यूम ना बढ़े। तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो सेल का साइज छोटा होता जाएगा कि नहीं भाई, अगर एक अमरूद ले लें, उसको चाकू से काटते जाएंगे आप, तो उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा ना, जो टुकड़े बनेंगे उसमें। तो यहाँ पे जो ये इस तरह का डिवीजन होता है उसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इसको बोलते हैं क्लीवेज, क्या बोलते हैं, क्लीवेज। जब जाइगोट के अंदर वॉल्यूम का इंक्रीज ना हो और सेल डिवीजन हो, तो उस डिवीजन को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं क्लीवेज। अब देखिए इसके बाद फर्दर क्लीवेज होता है ना, और देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा भाई, बॉल लाइक, है ना, ऐसे। और इसमें क्या भरे रहेंगे, खूब सारे सेल्स रहेंगी, इसका जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है भाई, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इस सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सॉलिड
बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मोरूला। इन सब चीज़ों को आप जनरलाइज कर लीजिए, इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बार अपने अंदर जो है इसका कॉन्सेप्ट बना लीजिए। अब देखिए मोरूला में जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करके पेरिफरी में चली जाएंगी। जो मोरूला है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करके पेरिफरी में चली जाएंगी यहाँ, ठीक है। तो ये हम टू डाइमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका सेक्शन लेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो सेल्स हैं है ना, ये सेल्स बाहर की तरफ चली गई, मतलब ये बीच में बॉल खाली हो गई, तो ये क्या है, कैविटी बन गई। तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील, है ना। और ये जो सेल्स हैं इनको बोलेंगे ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर स्ट्रक्चर। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।